मोक्षमार्गशनेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, परम मांगलिक, परम हितकारी, आत्म कल्याणकारी। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसकी शैली सूत्रात्मक है और इसकी भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग यह तत्वार सूत्र को पढ़ रहे हैं, एक ऐसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जिसमें जिनवाणी का, जिनागम का, भगवान की वाणी का सार रूप से संक्षेप में इसमें वर्णन है। दूसरे अध्याय का अपना अध्ययन चल रहा था जिसमें जीव के 5 प्रकार के भाव कौन कौन से होते हैं और उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। 5 प्रकार के भाव में औसमिक भाव, छायिक भाव, छायोसमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 प्रकार के अपन ने भाव देखे। उसमें से औसमिक का, छायिक का और छायोसमिक भाव, ये 3 प्रकार के भावों का वर्णन हो चुका है। अब हम सब लोग जो 4th नंबर का जो औदयिक भाव है उसके बारे में समझेंगे। औदयिक भाव 4th नंबर का भाव है और इसका 21 भेद होते हैं। हम सब लोगों ने दूसरा सूत्र पढ़ा था, द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, उसमें 1 विंशति जो आया हुआ है, औदिक भाव के 21 प्रकार के भेद होते हैं। वो 21 प्रकार के भेद कौन कौन से होते हैं तो हम सब लोग 6th नंबर का सूत्र का उच्चारण करेंगे। आपने अपनी जिनवाणी में तत्वार सूत्र निकाल लिया होगा या आपके पास कोई तत्वार सूत्र की पुस्तक होगी तो 2 अध्याय का 6th नंबर सूत्र निकाल लें। एक बार हम उच्चारण करेंगे और पुनः आप लोग भी उसका उच्चारण करें जिससे सूत्र का सही सही शुद्ध उच्चारण हो जाए। गति, गति, कषाय, कषाय, लिंग, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, शातक पढ़ना, लेश्याश, चतुष, चतुष, त्रय, कई, कई, कैक, षड भेदा। एक बार पुनः, गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संहिता, सिद्ध लेश्यास, चतुष चतुस्त्रय, कई कई कैक, षड भेदा। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का अपन ने उच्चारण किया और इसको पुनः एक बार बोर्ड में देख लेते हैं और एक एक शब्द का उच्चारण और संधि विच्छेद भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो सूत्र इस प्रकार से है, 2 अध्याय का 6th नंबर सूत्र है ये, देखिए, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष चतुस्त्रय, ये त्रय, इसमें एक मात्रा है त्रय, कई कई कैक, कई कई कैक, षड भेदा, ये बहुवचन है, समस्त पद की एक विभक्ति यहाँ पर लगी समस्त। देखिए यहाँ पर, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा, इस सूत्र का उच्चारण हुआ। अब संधि करते हैं, गति प्लस कषाय प्लस लिंग प्लस मिथ्या दर्शन, इससे निकलेगा अज्ञान प्लस अज्ञान, और इससे निकलेगा इसका जो आ है
इसमें आ निकलेगा आसंयत, ठीक है, प्लस इससे भी आ निकलेगा तो आसिद्ध, आसिद्ध है। फिर लेशह, यहाँ पर बहुवचनों के सा का विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा लेशह। ये तो हो गए भेद। अब ये मुख्य भेद हो गए, मुख्य भेद हैं। अब इनके प्रभेद कैसे बनेंगे तो आगे के सूत्र का इसमें लगाते जाएंगे। गति चतुहु, चतुहु तो चतु लिखा है चार प्रकार की गति, फिर चतुहु सा का विसर्ग हो जाएगा तो कषाय भी कितने प्रकार की, चार प्रकार की कषाय। फिर लिंग स्त्री, ये या का ई हो जाएगा और उससे निकलेगा एक, देखिए संधि करते हैं या का ई करके तो क्या बन गया त्री, फिर एक निकलेगा एक, इससे भी एक निकलेगा एक एक एक, संधि करते जाएंगे एक एक एक, चार बार एक 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 निकला, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल सिंगल। तो मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक और असिद्धत एक, ठीक है ना। और लेश्या षड भेदा, क्या लिखा है लेश्या षड भेदा, तो कितने प्रकार की लेश्या, षड, छह प्रकार की लेश्या। इस प्रकार से ये भेदा, ये जो कुल करेंगे टोटल करेंगे तो 21 प्रकार के भेद हो जाएंगे। गति चार, कषाय चार, चार और चार आठ, और लिंग तीन, कितने हो गए 11, और एक 12, ये 13, अज्ञान असंयत 14 और असिद्ध 15 और छह लेश्या, तो 15 और छह कितने हो गए 21। इस प्रकार से औदिक भाव के 21 प्रकार के इस सूत्र से भेद निकल के आ गए हैं। हमको नाम तो पता चल गया है, अब इनका अर्थ क्या होता है, औदिक भाव किसे कहते हैं, इसके लिए अपन आगे समझते हैं। उदय और औदयिक भाव, दो शब्द याद रखेंगे। उदय, उदय का मतलब क्या है, फल देने की शक्ति, जो फल आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उसे कहते हैं उदय। जैसे सूर्य उदय, अभी तक सूर्य अस्त था और जैसे उदय आया तो उसका प्रकाश से पूरे पृथ्वी में आया, तो उसको बोलते हैं सूर्योदय, सूर्य का आना। ऐसे ही कर्म का जो फल देना, उस स्थिति पूरी करके जो स्थिति बंधी थी कर्म की, वो स्थिति का झड़ना, और हमें शुभ रूप से, अशुभ रूप से, अच्छे रूप से, बुरे रूप से फल मिलना, उसे कहेंगे उदय, ठीक है ना। उदय में हमारा बस नहीं चलेगा, जो उदयावली में आ गया है वो फल देकर ही जाएगा, ठीक है ना, ये निश्चित मानना। उदयावली में आया हुआ कर्म वो फल देकर ही जाएगा। उदय के पहले पहले जो भी सत्ता में रखे हुए कर्म हैं, जिनका किन्हीं कर्मों का संक्रमण और अपकर्षण और उसमें भी उसकी स्थिति का अनुभव घटना बढ़ना चेंजिंग होना वो सब हो सकता है, लेकिन जो कर्म उदीर्णा में आ चुका है, मतलब उदय के एक समय पहले पहले जो उदीर्णा में आ चुका है, अब उसका किसी प्रकार का संक्रमण अपकर्षण या किसी प्रकार का चेंज या स्थिति घटना बढ़ना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका उदय, उदय में आया हुआ जो भी कर्म है वो अच्छे बुरे प्रकार से हमको फल देके जाएगा ही जाएगा, और उससे, उस कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं, जो जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों को बोलते हैं औदयिक भाव, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन ने 21 प्रकार के नाम देखे थे, तो औदयिक भाव क्या 21 प्रकार के ही हैं, नहीं है, तो अनेक प्रकार के, पर वो सारे के सारे 21 प्रकार के भी जो हैं उनमें ही समाविष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कर्म के उदय तो बहुत सारे होते हैं, शरीर नाम कर्म का उदय भी है, बंधन नाम कर्म का उदय भी है, संगनन नाम कर्म का उदय भी है, कितने नाम कर्म के 93 भेद होते हैं उसमें, कितने सारे सभी कर्मों का उदय चलता है, तो फिर यहाँ पर फिर उसको क्यों नहीं लिया, तो उसका भी अपन आगे रीजन बताएंगे। अभी तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दो प्रकार से कर्म को समझो, ठीक है ना।
एक होता है जीव विपाकी कर्म और एक होता है पुद्गल विपाकी कर्म। वैसे चार प्रकार के होते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भाव विपाकी। अभी दो की बात नहीं करना है, अभी दो की बात करते हैं, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। जिस कर्म का उदय जीव को मिले, हमारी आत्मा को मिले, उसे कहेंगे जीव विपाकी कर्म। ठीक है ना? क्या बोले? जिस कर्म का उदय किसको मिले? जीव को मिले, उसे जीव विपाकी कर्म कहते हैं। और जिस कर्म का उदय पुद्गल को मिले, शरीर को मिले, उसको बोलेंगे पुद्गल विपाकी कर्म। ठीक है ना? जीव को जैसे जैसे ज्ञान में आवरण हुआ तो फल किसको मिल रहा है? जीव को मिल रहा है ना, ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। दर्शन में आवरण आ गया तो दर्शन प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो जीव को फल मिल रहा है। मोहिनी कर्म का उदय आया, चारित मोहिनी कर्म का उदय आया, चारित प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो जीव को फल मिल रहा है। मिथ्यात् कर्म का उदय आ रहा है और वो मिथ्यात् के कारण समीचीन श्रद्धा जीव को प्रकट नहीं हो पा रही है, तो फल किसको मिल रहा है? जीव को मिल रहा है। अंतराय कर्म का उदय आया तो आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है, तो किसको फल मिला? जीव को। तो जिस कर्म के उदय से जीव प्रभावित होता है, जीव के भावों में चेंजिंगता आती है, उसे अपन कहेंगे जीव विपाकी कर्म। ठीक है ना? और जिस कर्म के उदय से शरीर प्रभावित होता है, क्या होता है? शरीर प्रभावित होता है, पुद्गल प्रभावित होता है, या पुद्गल में परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहेंगे? पुद्गल विपाकी कर्म। यहां पर जो औदिक भाव है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीव विपाकी उदय की बात कही गई है, क्योंकि औदिक भाव को भी स्वतत्व भाव कहा है ना। तो इस 21 भेद में पुद्गल विपाकी की कहीं बात नहीं है, क्षेत्र विपाकी कर्म की कोई बात नहीं है, और भाव विपाकी कर्म की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। मात्र चार में से एक जो जीव विपाकी की कर्म प्रगतियां हैं, उन कर्म प्रगतियों को यहाँ पर लिया गया है, अन्य प्रगतियों को भी इसी में ही समाविष्ट कर लिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आपको आ गई ना? तो औदिक भाव जीव के भाव लेने हैं तो निश्चित ही है, तो उन्हीं भावों की बात करेंगे जो डायरेक्ट आत्मा को प्रभावित करें, जो डायरेक्ट हमारे जीव को, चेतना को प्रभावित करें, उसको ही यहाँ पर औदिक भाव में लिया गया है। आप देख लीजिए, गति है, गति भी जीव को प्रभावित करता है। ठीक है ना? और गति के बाद अपने लिंग है, लेश्या है, जितने भी 21 भेद हैं, वो सारे के सारे जो भेद हैं वो हमारे आत्मा को अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। अब हम सब लोग इस भाव को समझ गए हैं कि यहाँ पर अन्य किसी को और क्यों नहीं लिया गया, ये क्वेश्चन आपके साथ खड़ा हो सकता था, तो इसलिए यहाँ पर आपको बताना जरूरी था कि यहाँ पर किसी और को ग्रहण क्यों नहीं किया गया है। अब हम सब लोग औदिक भाव किसे कहते हैं उसको आगे समझते हैं। औदयिक भाव किसे कहते हैं? आप यहाँ पर स्लाइड देख रहे होंगे और इस स्लाइड में लिखा होगा कि औदिक भाव किसे कहते हैं। क्या लिखा है? कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट होना उदय है। क्या लिखा है? कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट होना, उसे कहते हैं उदय। और उदय में जो भाव हो जीव के, उसे औदयिक भाव कहते हैं। एक देखिए गिलास बनी होगी और एक गंदे पानी से भरा हुआ है, इसके नीचे में भी, ऊपर में भी, सतह में पूरी गंदगी दिखाई दे रही होगी, मटमैला पानी दिखाई दे रहा होगा, ये उदय है। उदय, जहाँ कर्म का उदय आता है, तो संपूर्ण आत्मा में इस प्रकार का जो भाव होते हैं, उस भाव को औदिक भाव कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, कर्म के उदय में क्या हमारा पुरुषार्थ कोई काम कर सकता है? कर्म के उदय में हमारा जो पुरुषार्थ है वो कार्य कर सकता है, यदि आपने पहले से यदि किसी प्रकार की तैयारी करके रखी हुई है। अज्ञानी जो आत्मा होती है वो कर्म के उदय में अपने को घुटने टेक लेता है कर्म के सामने,
इसलिए कर्म उस पर हावी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जो आत्मा है उसके सामने कर्म घुटने टेक लेते हैं, इसलिए ज्ञानी की जीत हो जाती है। यह कर्म और आत्मा के खेल में वही जीत पाता है जो अपने सामर्थ्य को बनाए रखता है, अपनी विशेष साधना तैयार रखता है, अपनी वीर शक्ति को जागृत रखता है, वह व्यक्ति कर्मों को जीत लेता है। कर्म के उदय तो किसको नहीं आए, सुकमाल मुनि को कर्म का उदय आया, यशोधर मुनिराज को भी कर्म का उदय आया, पर इन ज्ञानियों ने कर्म के उदय में भी अपने को संभाल के रखा, अपनी वीतरागता को, अपने क्षमता को, तो उनका पुरुषार्थ काम में आया। कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा, उदय को कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखना। कर्म जो बंधा हुआ है वो फल या तो कम रूप से देगा या ज़्यादा रूप से देगा, पर उदय में नियम से आएगा ही आएगा। वो कर्म कर्म ही क्या जो जीव को फल ना दे, ठीक है ना। जो बात चलती है शास्त्रों में निमित्त निमित्त की, वो मात्र कर्म और आत्मा की ही बात चलती है। निमित्त निमित्त संबंध बाहर के कुछ नहीं होते हैं, कर्म के और आत्मा के ही निमित्त निमित्त संबंध माने जाते हैं। कर्म का उदय निमित्त और इस निमित्त के अकॉर्डिंग आत्मा का नैमित्तिक पना होना, इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। और आत्मा आत्मा के भावों का निमित्त और कर्मों का बंधना आना, ये नैमित्तिक होता है। तो कभी आत्मा निमित्त रूप से होती है, आत्मा के भाव निमित्त होते हैं, और कर्म नैमित्तिक रूप से उस रूप परिणमन कर जाता है आठ रूप कर्म रूप में। और कभी कर्म निमित्त होता है उदय रूप में, तो आत्मा नैमित्तिक रूप में उस रूप परिणत हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। लेकिन ज्ञानियों की एक व्यवस्था ही अलग है, जिसको मंद कसाई के उदय में तत्व का चिंतन हो गया हो। देखिए हमारे जीवन काल में बहुत सारे गोल्डन चांस आते हैं, हमेशा तीव्र कसाई का ही उदय हो, तीव्र राग का ही उदय हो, तीव्र द्वेष का ही उदय हो, ऐसा नहीं होता है। मंद का उदय अधिकांश समय में होता है। यदि उस समय हमें तत्व का उपदेश, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, मनन यदि हो जाता है, तो हमारी आगे की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। शाम की तैयारी सुबह काम आती है। जैसे आपको संवेद शिखर जाना है तो पूरी तैयारी आपने शाम को कर ली, सुबह उठे और चलते बने। लेकिन अभी अभी तैयारी करोगे तो फिर तैयारी होना मुश्किल है। ऐसे ही हमें अपने कर्मों के आने वाले उदय काल में भी मेरी क्षमता कैसी बनी रहे, तो अभी से आप चिंतन करोगे, मंथन मनन करोगे, तो कभी तीव्र कर्म का उदय भी आया तो उसमें हम अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन अज्ञानी जो जीव होता है वो बह जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वो रोना धोना चालू करता है। कर्मों को दोष लगाना, दूसरों पर आरोप लगाना, इसका वही काम होता है। जो भिन्न हैं अपन से उनमें भी वो दोष लगाता रहेगा, इसके कारण ऐसा हो गया, इन्होंने मुझे ऐसा करा दिया, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इसके लिए मैं दुखी हो गया। वो दूसरों पर दोष आरोपण प्रत्यारोपण करता रहता है। लेकिन ज्ञानी जो है वो कर्म को साक्षी भाव से देखता है, और देखते हुए कर्मों को जाते हुए भी देखता है। कोई निंदा करके जा रहा है उसे भी साक्षी भाव से देखता है, कोई प्रशंसा करके जा रहा है उसको भी साक्षी भाव से देखता है, कोई अच्छा करके जा रहा है तो उसको भी देख रहा है, और कोई बुरा करके जा रहा है तो उसको भी देख रहा है। अर्घावतारण असि प्रहारण मैं सादा संताधरण, मुनिराज के सामने आकर के लोग अर्घ का चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी वो प्रशंसा में फूल नहीं रहे हैं। और असी प्रहारण, कोई असी का तलवार का प्रहार भी कर रहे हैं, तब भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं। एक के प्रति खुश प्रसन्न भाव और एक के प्रति द्वेष भाव, ऐसा भाव नहीं आ रहा है। कर्म का उदय तो दोनों को आ रहा है, उनका यश कीर्ति नाम कर्म का भी उदय आया तो भी वह उसमें भाव में बहे नहीं, और अयश कीर्ति नाम का उदय आया तब भी उस भाव में बहे नहीं। दोनों को साक्षी भाव से देखा तो उनकी कर्म की निर्जरा हो गई, आए कर्म और चले गए, आगामी कर्म नहीं बंधा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर यह पुरुषार्थ फलित होता है ज्ञानी के, और अज्ञानी के पुरुषार्थ फलित नहीं होता है। अज्ञानी तो आगामी और कर्मों को बांध करके अपना अनंत संसार बांधता है। नमोस्तु आचार्य श्री, कर्म के उदय के चक्र से बाहर कैसे निकले?
कर्म के उदय के चक्र से। देखो, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कर्म का उदय चलता ही रहेगा। ऐसा एक समय भी नहीं रहेगा जिस समय कर्म का उदय ना चले। वो बात अलग है कि पीछे पीछे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे कर्म नष्ट होते जाएंगे तो उनका उदय तो आएगा नहीं। जो 6 को प्राप्त होते जाएं, जिनकी शक्ति कम होती जाए, तो वो उदय में नहीं आएंगे। लेकिन जो पुद्गल विपाकी नाम जो कर्म हैं, वो तो 14वें गुण स्थान तक, जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए, वो किसी न किसी रूप में उदय आते ही आते हैं। हाँ, अपने जो जीव विपाकी संबंधी जो कर्म है का उदय है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। देखिए, यदि हम कर्म का उदय और फिर उसका बंद, फिर बंद के बाद फिर उदय के बाद परिणाम, परिणाम के बाद बंद, ये चक्र है। कर्म का उदय आया, फिर जीव ने परिणाम किया, भाव किया, भाव से फिर कर्म बंधा, फिर कर्म बंधा फिर उदय में आया, फिर भाव किया, फिर भाव से फिर कर्म बंधा, फिर कर्म बंध के फिर उदय में आया। तो ये चक्र तो हमारा चलता ही जा रहा है, तो फिर इससे कैसे निकलें? तो इससे निकलने का एक है, कर्म का उदय आया और उदय से क्या हुए? भाव हुए, और भाव से क्या हुआ? फिर बंध बंधा, तो बंध के बाद फिर उदय। तो इसमें अंतर है, बंध के और उदय के बीच में कुछ समय है। क्या है? समय है। जैसे हमने कर्म बंध बांधा तो उस कर्म बंध में अबाधा काल पड़ता है। कौन सा काल पड़ता है? अबाधा काल। तुरंत कर्म उदय में नहीं आता है, कुछ समय बाद उपरांत ही कर्म उदय आता, कम से कम अंतर मुहूर्त बाद ही कर्म उदय में आए। तो उसमें जो बीच में जो समय मिला, तो जब कर्म उदय में आया, उस परिणामों के कारण जो बंध कर्म हो गए हैं, सत्ता में जो कर्म रखे हुए हैं, उन कर्मों में बहुत भूचाल मचता है, एक ज्वालामुखी सा मचता है, जिसमें कर्म का अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, कर्म का संकोण भी हो सकता है किन्हीं कर्मों को छोड़ के। तो वह हमारे उदय काल के परिणामों पर निर्भर करता है। वो उदय काल के परिणाम हमारे जो हैं, उसमें हम अपने को कितना संभाले हुए हैं, वो संभालने से जो अंदर सत्ता में रखे कर्म हैं, वो कम ज़्यादा होकर के उदय में आते हैं, और उसमें हमारा फिर पुरुषार्थ जागृत हो सकता है, और हम वहाँ से कर्म से बाहर के चक्र से निकल के बाहर निकल सकते हैं। यही उपाय है। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि जब जब आपको मंद कषाय का उदय हो, मंदिर आए तो मंद कषाय है, जिनवाणी पढ़ रहे हो तो मंद कषाय है, मुनिराज को आहार दान आदि दे रहे हो तो मंद कषाय है, तीर्थ यात्रा के भाव हुए, दर्शन के भाव हुए तो मंद कषाय है, तो किसी भी प्रकार से सत्कार करने के, उपकार करने के आपके भाव हुए, जीवों पर दया करने के भाव हुए, अहिंसा का पालन करने का भाव हुआ, नियम व्रत साधना उपवास करने के भाव हुए, ये सारे के सारे भाव मंद कषाय के उदय में हो रहे हैं। और ऐसे उदय में हम और अपना पुरुषार्थ वर्तमान का करें, वर्तमान का पुरुषार्थ करके, चिंतन मंथन मनन करके और आत्म साधना करके, जो सत्ता में रखे हुए कर्म हैं उनको और ढीला करो, उनको और अपकर्षण करो, उनकी अनुभाग शक्ति घटाओ, उनकी स्थिति घटाओ, और उनको असाता से साता में अपकर्षण संक्रमण करो। ये सब हमारे भावों से अपने आप ऑटोमेटिक कार्यक्रम होता रहेगा कर्मों में। तो ये हमारे जो स्थिति है, इस स्थिति से हम अपने कर्म के चक्र से बाहर निकल के अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर औदिक भाव की चर्चा चल रही थी। तो 21 प्रकार के औदिक भाव होते हैं, हमने आपको नाम बता दिया है। यहाँ पर जो गति आदि के 21 भाव हैं, उनके बारे में अपन कल विशेष रूप से वर्णन करेंगे। आज इतना ही अर्थ लगाना औदिक भाव का कि कर्मों के फलदान का सामर्थ्यता जो प्रकट होती है, उसे उदय कहते हैं, और उस उदय से जीव में होने वाले भाव या जीव प्रभावित होता है उस उदय से, उसे औदिक भाव कहते हैं। और यहाँ पर औदिक भाव सिर्फ और सिर्फ जीव विपाकी कर्म प्रगतियों को ही लेना है, अन्य को नहीं। अन्य प्रगतियों को अपन इसी में ही गर्भित कर लेंगे। आज इतना ही। प्रदीप जैन फरीदाबाद, जिनकी शंका आई है कि सर्वघाती ही यदि एक देश घाती रूप से उदय में आती है तो भविष्य काल में उन्हीं कर्मों का उपशम कैसे रहेगा।
आपको पता होना चाहिए कि जो कर्म देशघाती हो रहे हैं वो उदयावली के एक समय पहले हो रहे हैं, बाकी जो पीछे के जो कर्म हैं वो तो सर्वघाती रूप में सद्वस्था रूप उपशम में ही हैं। पूरे के पूरे कर्म देशघाती नहीं हो गए, जो सर्वघाती है वो सर्वघाती रूप में ही है, लेकिन जो वर्तमान में जो फ्लो चल रहा है वो देशघाती होकर के निकल रहा है। जैसे मान लो एक टंकी में पूरा कीचड़ वाला पानी रखा हुआ है ऊपर, और वह पानी वर्तमान में जो एक्वागार्ड से साफ होकर के पानी, मतलब उसकी शक्ति कम होकर के साफ होकर के आ रहा है, तो वो जो वर्तमान में उदय आ रहा है वो उतना ही तो देशघाती हुआ, लेकिन जो टंकी में पानी भरा हुआ है मिट्टी युक्त पानी है वो तो सर्वघाती है, वो तो भविष्य काल के लिए भी सर्वघाती रूप ही रखा हुआ है। वर्तमान में जो उदय आ रहा है वो वर्तमान के लिए तो वो कैसा है, वो एक्वागार्ड की तरह औरों की तरह साफ होकर के या देशघाती रूप होकर के उदय में आ रहा है, इतना आत्मा का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितना नुकसान जो है वह मिट्टी युक्त पानी शरीर का नुकसान पहुंचा सकता है, सर्वघाती कर्म जो आत्मा का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो यह भविष्य काल में भी सद्वत्सर उपशम कैसे रहेगा, जो टंकी में पानी रखा है सत्ता में कर्म रखे बहुत सारा द्रव रखा है वो सर्वघाती रूप में रखा हुआ है भविष्य के लिए, लेकिन प्रेजेंट में जितना जितना निकल रहा है तो उदयावली के एक समय पहले वो सर्वघाती के कुछ कुछ परमाणु वहां पर आकर के देशघाती होकर के उदय में होकर के निकल जाता है। यह बात यहाँ पे समझना है। वंदना जैन ऋषिकेश, आपकी शंका आई है सर्वार सिद्धि में अपगत वेदी और ओघ के समान, इनका क्या भाव है, क्या अर्थ है? अपगत वेदी, वेद रहित भाव वालों को अपगत वेदी कहते हैं। देखिए चारित्र मोहिनी में जो नौ कषाय है उसके उदय से स्त्री पुरुष या नपुंसक से जो रमण करने के भाव होते हैं या वेदन होता है, अनुभव होता है, उसे वेद कहते हैं। वेद दो प्रकार के होते हैं, वो द्रव्य और भाव। यहाँ पर भाव वेद रहित वाले जीव को अपगत वेदी कहते हैं। नौवे गुण स्थान के ऊपर उनके स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के भाव आदि ना हो तो वो अपगत वेदी का भाव चलता है, ठीक है ना। ओघ के समान की जो बात कही है वो गुण स्थान के लिए कही गई है, मार्गणा के लिए आदेश और गुणस्थान की संज्ञा को ओक कहते हैं। ओक के समान, गुणस्थान के समान, जहाँ जो सा गुणस्थान में जो कार्य होना है तो वहाँ बोल दिया जाता है ओक के समान, उस गुणस्थान के समान अपना इस चीज़ को लगा लीजिए। छायक कहाँ पे होता है, छोसम कहाँ होता है, तो ओक के समान, गुणस्थान के समान। तो ओक को गुणस्थान की संज्ञा दी गई है और अपगत वेदी में क्या लगाना है, जो भाव वेद हैं उन भाव वेदों के रहित परिणाम को अपगत वेदी कहते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोहि जपो दिन रे, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।